हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाजिम व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो ये जो क्यूट सा बेबी देख रहे हो आप, मेरे घर में है। मेरी देवरानी की बेटी का फंक्शन बर्थडे का, तो काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे, तो वही गांव से आए हुए हैं, तो उन्हीं का बेबी था, तो बहुत ही क्यूट बेबी था। यहाँ पे सारे गेस्ट आए हुए थे, तो वही रेडी हो रहे थे अपने, यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग आज जाने वाले हैं अपने, तो आज हम लोग जाने वाले हैं, मेरी देवरानी का बेटी का फंक्शन है। वो रहती है मुंबई, देवर मेरे मुंबई रहते हैं, तो वो अपनी देवरानी बेटी का फंक्शन हकीका एंड बर्थडे एक साथ कर रहे हैं। तो वही हम लोग घर से निकल चुके हैं रेडी होके फंक्शन में अटेंड करने के लिए फंक्शन। तो ये देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ, आर्श है मेरा एंड अमायरा है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मेरे घर का फंक्शन था, तो घर के फंक्शन में पहले पहुँचना ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे गेस्ट सब लोग पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे ये देखिए अर्श है मेरा, अर्श बहुत ही खुश था। एंड ये है मेरी अमायरा, अमायरा का आउटफिट था गाउन, अमायरा बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तो यहाँ पे ये डेकोरेशन सब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, उसके बाद में सारे गेस्ट भी आ गए थे यहाँ पे, बच्चे फिर करने लगे डांस, अर्श ने भी थोड़ा सा डांस किया। यहाँ पर अमायरा अपने डैडी को ढूँढ रही थी, डैडी उस साइड में थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग था। तो जैसे कि घर का फंक्शन है, तो ये इनके डैडी तो बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो होता है ना कि अपना घर का फंक्शन होता तो हम बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पे इन्जॉय कर रहे थे, यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। तो ये था मेरा फाइनल लुक। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से रेडी हुई थी, तो मेरा दूसरा चैनल है नाज ब्यूटी, वो टोटल मेकअप का है, मेकअप से रिलेटिव है, तो आपको मिल जाएगा उसमें देखने के लिए। तो ये मैंने पहना था, मेरा आउटफिट था गाउन, बहुत ही प्रिटी सा। तो मेरा मैंने कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी, तो आप लोग बताना कि मैं कैसी रेडी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे केक कटिंग होने लगी, तो वॉइस मैं अपनी डाल रही हूँ, पीछे से मैंने वॉइस सब कट कर दिए, क्योंकि फिर मेरा पीछे से कॉपीराइट आया था है, और म्यूज़िक हम नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी। यहाँ पे जो देवरानी की बेटी थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसको वॉमिटीज, लूज मोशन, फीवर, कोल्ड सब एक साथ में ही हो गया था। तो बस टेंशन भी थी कि वो थोड़ा सा सैड हो गई थी, उसका मन नहीं था। तो यहाँ पे देवर ने गोद में ले लिया, तो कह रहे कि लाओ मैं कटवाता हूँ अपनी बेटी को साथ में केक। तो ये देवरानी थी, देवरानी मेरी प्रेग्नेंट हैं, तो आप लोग दुआ करना, दुआओं से नवाजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन था ये। यहाँ पे देखिए केक कट हो चुका है, बर्थडे केक कट चुका है, तो यहाँ पे सारे गेस्ट अपने अपने बिजी हो गए। केक कटने के बाद में ही स्नैक्स वगैरह खाने में बिजी हो गए, तो ये सब लोग यहाँ पे, हमारे घर का ही फंक्शन था, तो ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया था, अपने घर के ही सारे लोग थे। ये मेरे चचिया ससुर थे, एंड काफ़ी सालों के बाद मैं एक फंक्शन अटेंड किया था मैंने, क्योंकि हम बहुत सारे लोग मिले थे वहाँ पे, तो सभी लोग से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए हमारा फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, ये है काफ़ी सारे हैं, तो बस। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। यहाँ पे सब लोग गिफ्ट दे रहे थे ढेर सारे आके। ये देखिए मेरी मदर इन लॉ हैं, ये जो साड़ी में दिख रही हैं आप, मदर इन लॉ हैं यहाँ पे। तो ये फिर सबने वहाँ पे आके बारी बारी से सबने गिफ्ट दिया, ढेर सारी पिक खिंचवाई वहाँ पे सभी लोग ने। यहाँ पे देखिए सारे रिश्तेदार हैं, एंड ये हैं, ये देखिए मेरी देवरानी बैठी हुई है, यहाँ पे मैं हूँ, ये है यहाँ पे बात कर रही थी अपने, ये भी मेरी रिश्तेदारी थी, तो इन सब से बात करने लगी। यहाँ पे अमायरा बकेट लेके बहुत हैप्पी हो रही थी, फ्लास देख रही थी, फ्लास को कह रही थी मम्मा मुझे देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं फ्लास। यहाँ पे अर्श मेरा बहुत ही माशाल्लाह ब्यूटीफुल लग रहा था, ये देखिए अर्श बहुत ही इंजॉय कर रहा था। ये है अमायरा का गाउन, अमायरा बहुत ही अमायरा इंजॉय कर रही थी अर्श। एंड ये था बर्थडे गर्ल का केक, यहाँ पे बच्चे पिक खिंचवाई, खेलने लगे, डेकोरेशन। एंड यहाँ पे ये मेरी नंद भी थी, ये देखिए यहाँ पे अर्श मेरे से बातें कर रहा था, ये पीछे देवरानी है, उनकी बेटी है। यहाँ पे अमायरा मेरे से बात करने लगी, एंड यहाँ पे अमायरा कह रही मम्मा सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो अमायरा मेरे से टॉक टॉक करने लगी,
मैं भी हमारा से प्यार करने लगी, तो हमारा ने मुझे किस किया। यहाँ पे ये देखिए क्यूट सा बेबी है, ये मेरी देवरानी की बेटी है जो गांव से आई हुई थी, ये बैठी हुई है, इन्हीं का बेबी है ये। माशाल्लाह ये भी बहुत प्रिटी लग रही थी, एंड इनकी बेबी मेरे को बहुत ज़्यादा जान गई थी माशाल्लाह। तो ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, अब डांस स्टार्ट हो गया था, बच्चे डांस करने लगे। देवरानी की बेटी उस वक्त जब केक कट रहा था तब तो बहुत सैड सैड थी, तबीयत ठीक नहीं थी, बाद में जाके इसने बहुत डांस किया तीनों ने मिलके, अमायरा ने, मेरी बेटी ने, एंड एक और थी, एक और तीनों लोगों ने मिलके खूब डांस किया, खूब डांस किया पूरे डीजे में। जब तक डीजे चलता रहा तब तक इन्होंने खूब इन्जॉय किया, खूब डांस किया। वॉइस मैंने काट दी है। तो यहाँ पे डांस करते करते दादी मेरी, फादर इन लॉ आई थी, सासू माँ आई थी, बच्चों को शगुन दे के निछावर किया, पैसे दिए और दुआएं दी। और यहाँ पे देखिए बच्चे खूब इंजॉय करते, खूब डांस करते, इतना प्रिटी डांस किया था बच्चों ने, मैं क्या बताऊँ माशाल्लाह। तो इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग भी डांस किया, इतने अच्छे से वीडियो तो मैंने कट कर दी है काफ़ी सारी, क्योंकि वीडियो अगर डालती तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाती और बहुत ढेर सारी पिक थी, तो मैंने मेन वीडियो आप छत में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बताना कि मेरे बच्चों का डांस कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, छोटा सा जो व्लॉग डाला है मैंने फंक्शन का। यहाँ पे हमारे ने पिक खिंचवाई, सभी लोगों ने पिक खिंचवाई बारी बारी से। तो ये मेरी फैमिली है, ये मेरी देवरानी है, सासू माँ है, मदर इन लॉ है, ये मेरे देवर हैं, देवरानी है, बेटी है, तो ये अर्श, ये मैं, तो यहाँ पर अमायरा एंड मैं थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह हम लोग बहुत प्रिय, ये मेरी नंद हैं और मैं हूँ। तो हम लोग ने पिक खिंचवाई बार बार के लिए, हमारा फैमिली पिक है, ये मेरी देवरानी है, ये तो आप जानते हो क्यूट सा बेबी और मी। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये है मेरे देवर एंड मेरे हस्बैंड एंड ये अमायरा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो। बाय बाय।